आप हमारे YouTube चैनल न्यू टेक ईजी में फिर से एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि होम गार्ड की भर्ती निकली है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई 10 जून से शुरू होंगे, तो आज 10 जून हो चुकी है और आज से होम गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार होम गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है। पहले चाहिए एक रंगीन फोटो जिसके नीचे आपको लगानी है डेट ऑफ फोटो, यानी जिस दिन आप फॉर्म के लिए अप्लाई करें उस दिन की डेट आपको फोटो के नीचे लगाना अनिवार्य है। दूसरी चीज आपको चाहिए लेफ्ट हैंड का थंब, यानी आपको लेफ्ट हैंड के अंगूठे का निशान सिग्नेचर, और किस कंपनी में कितनी पोस्ट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पीडीएफ में आप देख सकते हैं किस कंपनी में कितने पोस्ट हैं। दोस्तों इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि इसमें किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फोटो की साइज क्या रखनी है, सिग्नेचर की साइज क्या रखनी है, संपूर्ण जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस प्रकार होम गार्ड की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई सा भी अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको सिंपली टाइप करना है सर्च बॉक्स में SSO, एंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने पहला ही ऑप्शन आ रहा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आपकी SSO ID बनी हुई हो। अगर आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपनी SSO कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल SSO ID है तो मैं लॉगिन करने वाला हूँ। आपको सिंपली टाइप करना है यहाँ पर अपना कैप्चा और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपको सिंपली सिटीजन पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके पश्चात आप अदर एप्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है रिक्वायरमेंट REC, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिक्वायरमेंट स्टेक 2 और रिक्वायरमेंट पोर्टल। आपको रिक्वायरमेंट स्टेक 2 पर क्लिक करना है। इसमें देखिए कि दोस्तों ऑप्शन आ रहा है इनरोलमेंट फॉर होम गार्ड्स, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ रहा है आवेदक का नाम। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भर देना है, जो आपका जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म लगा रहे हैं उसका पूरा नाम इसी में भरना है। मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, जो भी आपका पूरा का पूरा इसमें भरना है। फिर आगे आपको अपने पिता का नाम भरना है। पिता का नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है एज इट इज आपको वैसा ही भरना है। आगे आपको अपनी माता का नाम फिल कर देंगे, अपना जेंडर चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। आगे फिर नीचे आ रही है कैटेगरी, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है SC ST OBC। दोस्तों इसमें SC ST के लिए 175 रुपए का टोकन है और OBC और जनरल के लिए 200 रुपए का टोकन है, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन चूज कर लेना है, अपना धर्म चूज कर लेना है। आगे आपको सामने दी हुई आ रही वैवाहिक की स्थिति, यानी आप मैरिड है या अनमेरिड। अगर मैं आपको दोस्तों सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे सिंगल ही रहने दें, क्योंकि आप यहाँ पे विवाहित करते हो तो आपको अपना विवाह पंजीकरण लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे विवाहित करते हो दोस्तों, यहाँ नीचे आगे आपको अपने बच्चों की संख्या भी देनी होगी कि आप कितने बच्चे हैं। फिर आगे यहाँ पर दोस्तों आपको अपना विवाहित स्थिति चूज करने के बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। आपकी ईमेल ID SSO से ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आगे आपके सामने दिए हुए आ रहे आधार ID, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। नीचे आ रहा है अप्लाई फॉर, यानी आपको कहाँ से लगाना है, किस कंपनी से लगाना है। तो यहाँ से आप अपना जिस कंपनी से आप आवेदन करना चाहते हो, जिस कंपनी से आप अपना आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितनी पोस्ट अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी चूज कर लेंगे। मैं अपनी कंपनी चूज कर लेता हूँ। आगे दोस्तों दिया हुआ क्या आप राजस्थान के ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों यहाँ पर आपको नो करना है। नीचे आपको अपना एड्रेस भरना है, ये एड्रेस आपको बिल्कुल सही सही भरना है। फिर नीचे दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो अपने हिसाब से फिल कर देंगे। मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसलिए मैं सेम एज अब ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सेम एज अब ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आगे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप इस नए टैब पर अग्रसित हो जाएंगे। आपको फिर इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता, आप कहाँ के रहने वाले हो। यहाँ पर आप इंडियन चूज करेंगे। आगे दिया हुआ है होम स्टेट, यानी गृह राज्य, यहाँ पर आप अपना राज्य चूज करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है होम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर आगे आपको अपनी तहसील चूज करनी है।
ठीक है, इतना काम करने के पश्चात आपके सामने नीचे दी हुई है विशेष श्रेणियां, यानी इसमें आपको पहला ऑप्शन है, इस विशेष श्रेणी में पहला जो ऑप्शन आ रहा हुआ है कि आप भूतपूर्व सैनिक, यानी आपका भविष्य सॉरी यानी आप पहले भूतकाल में आप किसी सैन्य में सैनिक रह चुके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो यहाँ पे आपको देना होगा कि किस सिविल सर्विस में आपने अपनी सेवा दी है, तो मैं अभी नो रहने देने वाला हूँ। नीचे आ रहा है कि आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। फिर नीचे हो रहा है आप आपके खिलाफ कभी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है, अगर आपके खिलाफ कभी कोई थाने में FIR दर्ज हुई है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने दिया हो रहा चेक बुक से, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे दी हुई है 8th स्टैंडर्ड, मैंने आपको पहले कहा था कि आप इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 8वीं क्लास की चाहिएगी, तो यहाँ पे मैं अभी आपको अपनी 8th क्लास की क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालनी होगी। तो इसमें दिया हुआ है विशेष समूह, तो यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर देंगे ऑल सब्जेक्ट। फिर आगे दिया हुआ है नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम या फिर विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर देना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली बोर्ड या स्कूल का नाम देना है। अगर आपकी 8वीं क्लास बोर्ड से थी तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम देंगे, अगर आपने 8वीं क्लास बोर्ड से पास नहीं की है तो आप यहाँ पे सिंपली अपने स्कूल का नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैं अभी अपनी बोर्ड का नाम टाइप कर देता हूँ BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। आगे आपको अपना रोल नंबर देना है, आगे आपको जो परिणाम है अगर आपने बोर्ड द्वारा दिए तो आपकी जो कैटेगरी आएगी इसमें ग्रेड ABC, और अगर आपने बोर्ड एग्जाम नहीं दिए तो यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज चूज करनी है। आगे आप जिस वर्ष में अपनी 8वीं क्लास पास की है वो चूज करनी है, यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज दे देनी है कि आपने 8वीं क्लास में कितनी परसेंटेज बनाई है। दोस्तों अगर इसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देने का, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, ना इसको कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। सिंपली हम फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारे सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट साइड थंब। मैंने आपको पहले ही कहा था, शुरू में भी बताया था और अब भी बता देता हूँ, आपको जो फोटो चाहिए वो आपको कुछ इस प्रकार की चाहिए होगी। इसमें आपको अपना नेम देना है और डेट ऑफ फोटो देनी है, यानी जिस दिन आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस दिन की आपको इसमें डेट लगाना अनिवार्य है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दी हुई है, उसकी टर्म्स और कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपली मैं अभी अपनी फोटो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो फोटो की साइज रखनी है वो 50 से 100 KB के बीच में रखनी है। फिर हमें सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसकी साइज हमें 20 से 50 KB तक रखनी है सिग्नेचर की साइज। आगे आपको अपना लेफ्ट थंब चूज करना है, इसकी साइज भी आपको 20 से 50 KB ही रखनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना चेक मार्क्स डाल देना कि आपके स्क्रीन पर अगर कोई कट किसी हाथ पर कट तिल वगैरह हो तो यहाँ पर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना नो मार्क भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी अपना डाल देता हूँ। आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों एक बार अपना फॉर्म आप ध्यान से चेक कर लेंगे कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है या नहीं, एक बार जानकारी को ठीक से चेक कर लेना है। जानकारी चेक करने के पश्चात यहाँ पे घोषणा पर क्लिक करना है और पे फी पर क्लिक करेंगे। अगर आपके दोस्तों अगर कोई इसमें फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो अपडेट पर क्लिक करके आप पुनः सुधार कर पाएंगे। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आप पे फी पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। आपको दोस्तों 200 रुपये का इसमें टोकन कटने वाला है, पे फीस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर आप अपने नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड वगैरह से अपना पेमेंट कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये वीडियो एक डेमो के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसमें टोकन नहीं काटने वाला हूँ। दोस्तों इसमें 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं, जो नेट बैंकिंग का चार्ज लग रहा है आपको कस्टमर से 30 रुपये एक्स्ट्रा लेना है, यानी फीस 200 की जगह 230 लेनी है और अपना चार्ज जोड़ के आप 280 रुपये तक इसमें ले सकते हैं।
दोस्तों ये तो आज का नया वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको दोस्तों इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन रहे, इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैं 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई जरूर जरूर से दे दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।